ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता डॉक्टर, ये दस्तों का दर्द मेरी जान ले लेगा डॉक्टर। सब्र करो विजय, सब्र करो। देखो तुम्हारे कॉलेज के कुछ साथी तुमसे मिलने आए। मुझे किसी से नहीं मिलना डॉक्टर, मुझे किसी से नहीं मिलना। मुझे मुझे मरने से पहले एक बार प्रोफेसर एलन से मिला दो डॉक्टर। प्रोफेसर एलन, डोंट वरी विजय, डोंट वरी, उन्हें खबर कर दी गई है, वो आते ही होंगे। ओह नो, तुम भी। आपके लाश समझाने के बावजूद भी मैंने गलती कर दी सर, और अब वही नशा वही जहर मेरी आदत बन चुका है सर। मैं जा रहा हूँ सर, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी तरह अगर हर होशियार विद्यार्थी एक एक करके चला गया तो क्या होगा सारे देश का, हमारे देश के भविष्य का है? और तुम्हारा तो नाम ही विजय है, इस तरह हेरोइन के नशे से मात खाकर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैंने आपका कहना नहीं माना सर, आपकी दिव्य शिक्षा का अपमान किया है सर। शायद इसीलिए बहुत मुझे अपने गले लगाना चाहती है सर। सर मुझे माफ कर देना सर। विजय मैं तुम्हारा प्रोफेसर ही नहीं, तुम्हें सही रास्ते पे लाने वाला तुम्हारा अफसर हूँ, और एक सिपाही अपने अफसर से पूछे बगैर कहीं नहीं जा सकता। मुझे तो सर सबसे बड़े ऑफिसर के वाद से बुलावा आ गया है सर, शायद इसीलिए उसने इस दुनिया में मेरी सर्विस ही खत्म कर दी सर। नहीं विजय नहीं। विजय विजय, जो हमारे कॉलेज का सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी था, जिसमें गर्व था हर प्रोफेसर को, और जो बहुत जल्द डॉक्टर बनने वाला था, जानते हो कौन छीन के ले गया उसे? वही सफेद जहर जो डुबो देता है मौत के काले अंधेरों में मासूम जिंदगियों को, बदहवास कर देता है इंसानी समझ को। मैं उस चुटकी भर हेरोइन की बात कर रहा हूँ जिसे आजकल के जवान जिंदगी समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी ये जहर बिकता हो उसके खिलाफ आवाज उठाए, कसम खाए कि हम इस नशे की बुनियादों में आग लगा देंगे, बर्बाद कर देंगे इस नशे के इन सौदागरों को जो दौलत के लिए मौत के सौदे कर रहे हैं। अब खत्म कर देना इन शैतानों को, तलाश करना इस जहर को फैलाने वाले उन जहरीले नागों को। इस नेवले से ज्यादा ताकतवर है। ये सांप तो कुछ भी नहीं है सागा साहब, असली सांप तो वो प्रोफेसर है जो हमारे खिलाफ लोगों के दिलों में जहर उगल रहा है। अरे हमारे कारोबार को मिटाने का ऐसा जोश है साले में। जोश जोश तो समुंदर की मौजों में भी बहुत होता है, मगर चट्टान से टकराने के बाद वो भी टूट जाती है। कहो तो उस प्रोफेसर को ठीक कर दूं। नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारे ड्रग्स खाने वाले नौजवान अपने कॉलेज और घरों के आंगन में उस प्रोफेसर के मरने के बाद उसके पुतले लगाएं। और क्या कहते हैं उसे, हाँ इंसानियत, उसकी इंसानियत के गुण गाएं। हम तो चाहते हैं कि वो सिर्फ हमारा जहर खाएं और हमारे ही गुण गाएं। मगर सांगा साहब,
अगर ये प्रोफेसर पब्लिक मीटिंग में हमारे खिलाफ यूं ही बोलता रहा तो जमाने गुजर गए, लोग शराब के खिलाफ बोलते रहे मगर शराब पीते रहे। जब वो नशा बंद नहीं हुआ तो ड्रग्स का नशा, अरे ड्रग्स का नशा तो नशों का बादशाह। मगर प्रोफेसर तो प्रोफेसर वो इंसान है जो हमारी दुनिया की चार दीवारी से बाहर है, मगर आज हमें उस गद्दार का हिसाब करना है जो हमारी ही दुनिया में रहकर क्या कहते हैं उसे, हाँ पानी में रहकर मगर मच्छ से पैर। हमारी दुनिया में गद्दारी नाम के काले कर्म का दूसरा नाम मौत नहीं जिंदगी है। ऐसी जिंदगी कि जिसको पाने के बाद इंसान जीता नहीं मरता है, और मैं उसे ऐसे घायल करके छोड़ता हूं जैसे नेवला सांप, आधा जिंदा आधा मुर्दा। अच्छा तो ये बताओ कि जैक्सन को दिए जाने वाला माल पुलिस ले गई या तुमने किसी और पार्टी को दे दिया? पुलिस ले गई वो माल। पुलिस ले गई। जानते हो उस बोरी में क्या है? क्या? तुम्हारा बच्चा, जिसे तुम्हारी बीवी डॉक्टर वाड़िया के डिस्पेंसरी ले गई थी। इसे 103 बुखार है और इसे मैं सबकी नजर से बचाकर उठा ला रहा हूँ। मैं सच कहता हूँ, वो माल मेरे पास नहीं है, वो माल पुलिस लेके जाना था। मैं बताता हूँ, वो माल मैंने बेचा था सागर साहब। मेरी बीवी मां बनने वाली थी, अस्पताल में दोनों की तबीयत खराब थी। मैंने उनकी जान बचाने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए तुमसे बेईमानी की सागर साहब। ये तो टेप रिकॉर्डर है। मैं जानता था सागर साहब, अब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। अगर मैं आपका पुराना साथी हूँ ना, आप मुझ पर इतना बड़ा जुर्म नहीं कर सकते। वो देख सागर साहब मेरे पति को छोड़ दो, मेरे माफ कर दो। अपने शुभ हाथों से इन सब में दान दक्षिणा बांट दो। डैडी आ गए। भैया आ गए। कमाल है भाई, हमारा घर है कि जादू नगरी, खुल जाओ सिमसिम और दरवाजा खुल गया। ना कोई आ गई, ना पीछे, ना दाएं ना बाएं। दिमाग में शक्को शुबा की मौजें उठे। आए आए। अरे भाई किसने खोला ये दरवाजा? जरा हम भी तो जा रहे हैं इस जादू नगरी को पहचाने। अरे भाई हमने तुम्हें पकड़ लिया। करो पीछे यहाँ। भैया ओ बरखा हमारी बहन। गुड इवनिंग भैया। वेरी 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 गुड इवनिंग। और हाँ इवनिंग का सवाल तो आज की न्यूज तो आपने रिकॉर्ड कर ली होगी। छोटी मोटी शिकायतें, फरमाइशें, इल्तजा, रिक्वेस्ट, चेतावनी, सब कुछ हमारे घर के ताजा खबर के अखबार। हम अखबार सुनते हैं, तब तक तो हमारी पत्नी को खबर कर दो कि हम आ गए हैं। ये लो। ओ डैडी बोल। वो खबर तो आपकी दल नहीं कर दोगी हमें? क्या सारे मोहल्ले को पता चल जाता है कि आप आ गए? क्योंकि दो दो घंटी मशहूर है, एक फायर ब्रिगेड की और दूसरी हमारे घर की। शरारती करेगा।
ये ले अपना प्रेजेंट। थैंक यू डैडी। डैडी डैडी बरका आंटी है ना मुझे पेपरमेंट खाने नहीं देती है, कहती है कि तेरे दांत सड़ जाएंगे। मगर डैडी दांत तो टूट कर गिरने ही वाले और नए दांत फिर चाने वाले, फिर मैं पेपरमेंट क्यों नहीं खाऊं? देखो ना भैया, राजू मुझे कितना तंग करता है, कभी छोटी खींचता है और कभी किताब छुपा देता है, और अगर मना करूँ तो कहता है पहले पेपरमेंट खिलाओ। डैडी आंटी ने जो भी टेप किया है ना वो सब झूठ है, आंटी की आधी छोटी तो नकली है, खींचूंगा तो हाथ में आ जाएगी ना। आज के घरेलू समाचार यही खत्म होते हैं। आपकी धर्मपत्नी आपसे विनती करती है कि खाने का वक्त शुरू हो चुका है और हम सब लोग डाइनिंग टेबल पर आपका इंतजार कर रहे हैं। डिंग डोंग डिंग डोंग। सच कहता हूँ धर्मपत्नी, तुम्हारे इन खानों में एक नई जिंदगी है। 100 साल जीने वाला 200 साल जिए। बातें मत बनाइए, पहले ये बताइए आप इतनी देर तक बेल क्यों बजाते हैं? धर्मपत्नी कॉलेज से घर पहुँचते पहुँचते इतने जोरों की भूख लगनी शुरू हो जाती है कि यूँ समझो कि पेट में चूहे नहीं हाथियों का झुंड दौड़ रहा हो। इसलिए दरवाजा खुलने से पहले हाथ बेल से हटते ही नहीं। तो फिर आते ही खाना क्यों नहीं मांगते? धर्मपत्नी घर में कदम रखते ही राजू प्यार से गाल पर किस करता है और बरका प्यार से कहती है गुड इवनिंग भैया। बस आधी भूख तो वहीं मर जाती है, अब बची आधी भूख तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर खत्म हो जाती है। अब समझ गई हम इतनी बेल क्यों बजाते हैं? लेकिन डैडी एक बात मेरी समझ में नहीं है। बोलो। आंटी का नाम बी से शुरू होता है, बरखा। लेकिन आंटी के हाथ में जो अंगूठी उस पर एस लिखा है, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये अंगूठी बरखा और सुमित की सगाई की है और सुमित का नाम एस से शुरू होता है। भाभी ये जानबूझ के मुझे छेड़ता है। कमाल है, मैं तो अपना जनरल नॉलेज बढ़ाना था। एक थप्पड़ मारूंगी ना तो सारा नॉलेज निकल जाएगा, समझे? मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हारी नकली चोटी खींच लूंगा। तू मेरी चोटी खींचेगा? खींच के बता। आधी चोटी वाली, आधी चोटी वाली, आधी चोटी वाली। अरे कैसे नहीं खाएगी? अरे कुछ खाए इसे, ए बरखा। मैंने कह दिया ना मैं नहीं खाऊंगी। बरखा प्लीज जिद मत करो। नहीं मैं नहीं खाऊंगी। मगर तुम्हें भी क्या जरूरत थी नकली चोटी बांधने की? इनकी वजह से, इनको छोटे बाल वाली लड़कियां नहीं पसंद और तुझे ये बेहद पसंद है। क्यों हमारी बहन को परेशान कर रही है? याद है हमें पसंद आने के लिए शादी से पहले तुम भी बहुत कुछ किया करती थी। ये आप क्या कह रहे हैं? यही कि तुम्हारा मुंह ठीक करने के लिए हम तुम्हें चाइनीज खाना खिला करते थे। अब कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि हमारी बहन हिंदुस्तानी खाने के टेबल पर मुस्कुराती हुई आ जाए। डैडी आइडिया। क्या आइडिया? वो शर्ट लगाई ना। कौन सी शर्ट? पलके झपकाने वाली। अरे अरे पलके झपकाने वाली शर्ट। सुनिए सुनिए, अगर आप शर्ट हार गए ना तो आप हम सबको पिकनिक पर ले जाएंगे और चाइनीज खाना खिलाएंगे, और अगर आंटी हार गई तो ये चुपचाप जाके खाना खा लेगी। लग गई सर? लग गई। लग गई? कम ऑन बरखा। कम ऑन डैडी। कम ऑन डैडी, बीच में नहीं बोलना बेटा। और आप भी नहीं बोलना, आप भी नहीं बोलना, आप भी नहीं बोलना, आप भी नहीं बोलना। आप डरते हैं? बरखा बी केयरफुल। कम ऑन डैडी। कम ऑन बरखा। कम ऑन डैडी। बरखा कम ऑन, झपक दो आगे, झपक दो। झपक दो, झपक दो। देखो मेरी आंखों में पानी आने लगा है। बी केयरफुल, डोंट गिव अप, ओके? तुम बहुत चालाक हो, हमेशा मुझे हरा देते हो, लेकिन देखना एक दिन मैं तुम्हें हरा दूंगी। तुम चिल्लाते रहोगे लेकिन मैं पलके नहीं झपकाऊंगी और तुम हार जाओगे। वो दिन आएगा, देख लेंगे, पहले खाना तो खा लो। अच्छा चलो 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 चलो। हमारा कोड होगा लाल गुलाब और उनके आदमी का कोड होगा काला गुलाब। मगर सांगा साहब, उस पार्टी के बॉस का कहना यह है कि वो माल की डीलिंग बॉस टू बॉस करेगा। ओह गुड गुड, बॉस
तो बस। कौन हो तुम? जी मैं रघु। कौन रघु? प्रोफेसर साहब, जिस नशे को मिटाने के लिए आप हमेशा से लेक्चर देते आए हैं, उसी के बारे में मैं एक जबरदस्त इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। चले आओ अंदर। आज रात ठीक 11 बजे एक बहुत बड़ा सौदा होने वाला है, 6 करोड़ की नशीली ड्रग्स का सौदा। ये खबर तुमने पुलिस को क्यों नहीं दी? ऐसी पक्की खबर सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जिनका ईमान पक्का होता है। प्रोफेसर साहब, पुलिस पे मुझे कोई विश्वास नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि पुलिस बिकती है। देखा है मैंने, वर्दी में छुपा हुआ इंसान बिकता है। खबरदार, जिस वक्त हम ये वर्दी पहनते हैं तो अपना जमीर, अपना ईमान निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और कानून के रखवाले बन जाते हैं, और तुम कानून की इस वर्दी पर कीचड़ उछाल रहे हो। सुमित, ये रघु है, ड्रग्स की इंफॉर्मेशन लेके आया। घबराओ नहीं रघु, ये उन पुलिस अफसरों में से नहीं जो बिक जाते हैं। बताओ इन्हें क्या इन्फॉर्मेशन? इंस्पेक्टर साहब, आज रात को काली पहाड़ी पर 6 करोड़ के ड्रग्स की डील होने वाली है, ठीक रात के 11 बजे। मेरी गिरफ्तारी को अपनी कामयाबी मत समझना, याद रखना मेरा नाम संग्राम सिंह है। मैं तेरा सड़कों पे चलना भुला दूंगा। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि आप ही संग्राम सिंह हैं। हवलदार, ये सांप का खून कुछ ज्यादा ही गर्म है, इन्हें ठंडा पानी पिलाओ। आइए नेताजी, आइए आइए बैठिए। देखिए आपके इलाके से किसको पकड़ कर लाए। शहर के मशहूर इज्जतदार पोजीशन के ठेकेदार सेठ संग्राम सिंह। संग्राम सिंह इस शहर के बहुत ही नहायत शरीफ इंसान, इसलिए आप इन्हें छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? हाँ, ये मेरा ऑर्डर, इस एरिया के एमएलए का ऑर्डर। जानते हैं एमएलए साहब, इन्हें 6 करोड़ के ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है हमने। मुझे ये सब नहीं मालूम, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं इस एरिया का एमएलए हूँ। एमएलए? हाँ, छोड़ दो उनको सुमित, नहीं तो ये एमएलए साहब तुमको कुर्सी पर से गायब कर देगा। है क्या नहीं एमएलए साहब? बिल्कुल सही। एमएलए साहब, ये नया नया छोकरा लोग है, नई नई वर्दी है, नया नया खून है, जोश दिखाता है, जोश दिखाता है। इनको मालूम नहीं अभी तक कुछ। अरे ये अपने एरिया का बहुत पावरफुल एमएलए साहब है, बहुत पावरफुल है। पिछले महीने इन्होंने 2-4 इंस्पेक्टर का बदली कर दिया, किया क्या नहीं? हाँ सही। तुमको अपना नौकरी प्यारा है ना? नौकरी प्यारा है क्या नहीं, तो एमएलए साहब जो बोलता है ना उसको स्वीकार कर लो। अरे कुछ बनने का है तुमको, कुछ करने का है, कुछ कुछ कमाने का है, माल पानी क्यों? तो इनका साथ दो। नहीं तो इनके हाथ इतने लंबे है कि तुमको लंबा करके कानून के हाथ को काट के कानून को छोटा कर देगा। बहुत बहुत बड़ा साथ है, बहुत बड़ा साथ। सुमित, अपने एरिया में दारू बनता है इनकी वजह से, मटका चलता है एमएलए साहब की वजह से, लफड़े होते हैं इन्हीं की वजह से। बहुत बड़ा साहब है, बहुत बड़ा साहब है। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स चलाता है ये लोग। इनसे आड़ी बाजी नहीं करने का, बिल्कुल नहीं करने का। पूरा हिंदुस्तान को अपने मुट्ठी में लेकर चलता है ये लोग, है क्या नहीं? है सर,
मैं क्या करूं? क्या करूं? बंद कर दे साले को अंदर। चल। अरे ये सर, मैं इस एरिया का एमएलए हूँ। अरे छोड़ो मुझे, तुमने मुझे समझा क्या है? इंस्पेक्टर, मैं इस एरिया का एमएलए हूँ। तुमने मुझे अंदर करके अच्छा नहीं किया, तुम लोगों ने अपने आप को मुसीबत में डाल दिया है। इंस्पेक्टर, ये इस एरिया का क्या है? MLA? नो, एमेलिया, मेला। खामोश। अरे तुमने मुझे क्या समझा है? तुम्हारी कुर्सियां हिला डालूंगा, तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। देखो मेले साहब, अपन को ज्यादा उर्दू आता नहीं, क्या फिर भी हम बोलता है। क्या बोलता है मालूम है? शायरी बोलता है। कोई फायदा नहीं कानून से बगावत में, कोई फायदा नहीं कानून से बगावत में, तुम्हारे लफड़े का फैसला होएगा कल अदालत में। यस योर ऑनर, जिस कार में नशीली दवाइयां मिली उस कार से मिस्टर संग्राम सिंह का कोई रिश्ता नहीं है, ना नशीली दवाओं से कोई नाता है। लेकिन मी लॉर्ड इंस्पेक्टर सुमित और प्रोफेसर आनंद में रिश्ता है, क्योंकि इंस्पेक्टर सुमित प्रोफेसर के होने वाले बहनोई हैं। सुमित को इज्जत और शोहरत दिलाने के लिए प्रोफेसर आनंद ने ये खतरनाक जाल बुना, जिसमें शहर के इज्जतदार और जनता के सेवक सेठ संग्राम सिंह फंस गए। ये झूठ है माय लॉर्ड, वकील साहब कानून को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन किसको बहका रहा है इसका फैसला वो करेगा जो इस वाक्य का चश्मदीद गवाह है, और वो है ढाबे का मालिक श्याम जी। ढाबे वाला श्याम जी हाजिर हो। इक्कीस जून की रात 11:30 बजे तुम्हारे ढाबे के सामने क्या हुआ था? भैया के बाद साहेब उस दिन रात के समय एक कार आई के हमारे ढाबा के सामने ठीक 11:20 पर खड़ी भई। तनिक देर बाद इंस्पेक्टर साहब और प्रोफेसर साहब कार के पाछे जीप माँ से उतर के आए। इंस्पेक्टर साहब के देख के सारे गुंडे भाग खड़े हुए। इंस्पेक्टर साहब और प्रोफेसर साहब वो गुंडन के पकड़े के बहुत कोशिश किए, लेकिन देखा देखा वो गुंडन 9:11 हो गए। फिर क्या हुआ? अरे फिर साहब कार का फाटक खोल के एक बहुत बड़ा संदूक निकाले, और संदूक खोल के देखा थे तो अमन नशा का चीज खाते खत भरा रहा। हम अचानक कहा देखा थे कि इंस्पेक्टर साहब और प्रोफेसर साहब सेठ संग्राम सिंह के ऊपर जाए के नजर गड़ा दिए, जोन हमारे गरीब के ढाबा में बैठ के चाह पिए थे। सेठ संग्राम सिंह तुम्हारे ढाबे में चाय पी रहे थे? हाँ साहेब, ये बदे के उनकर गाड़ी खराब हो गई और उनका जो ड्राइवर रहा ना वो मैकेनिक बुलावे का रहा। ओकरे बाद वकील साहब प्रोफेसर साहब इंस्पेक्टर साहब से कहे लागे कि तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, अपन नाम और शोहरत बनावे खातिर ये सारा का सारा नशा का चीज सेठ संग्राम सिंह के बनाए दो। ये झूठ है माय लॉर्ड। मिस्टर आनंद, आपको बीच में बोलने की इजाजत नहीं है। I'm sorry. Proceed. भैया के बाद इंस्पेक्टर साहब आए के जबरदस्ती सेठ संग्राम सिंह के गिरफ्तार के लिए, और तो और वकील साहब ये गरीब से भी अंड संड बयान ले लिए सेठ संग्राम सिंह के खिलाफ। माई बाप, तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सेठ संग्राम सिंह की गाड़ी खराब हो जाने की वजह से वो ढाबे पर ठहरे थे। प्रोफेसर आनंद और इंस्पेक्टर सुमित का उनको मुलजिम समझना उनकी गलतफहमी और गलती है, इसलिए अदालत संग्राम सिंह जैसे इज्जतदार शहरी को तमाम इल्जामों से मुक्त करते हुए उन्हें बाइज्जत बरी करती है। देखो भाई, हम तो इज्जतदार लोग और इज्जत का दावा तो वो लोग करते हैं जो बेइज्जत होते हैं। हमें तो अदालत ने बाइज्जत बरी किया है। मुझे प्रोफेसर आनंद से कोई शिकायत नहीं। एक्सक्यूज मी सर, एक फोटोग्राफ। Thank you.
तुम सोचते होगे प्रोफेसर, ये कैसे हो गया सब कुछ? सच्चाई की चादर पर झूठ के कांटे कैसे सच गए? हम जैसे शैतानों से भरे जंगल में तुमने कोई नाग या सांप नहीं, बल्कि अनजाने में एक अजगर के मुंह में हाथ डाला है। ऐसे निगल जाऊंगा तुम्हें कि जब तक जियोगे मेरा नाम ले लेकर तड़पते रहोगे। संग्राम सिंह, जुर्म का रास्ता बहुत छोटा होता है, थोड़ी दूर जाके खत्म हो जाता है, और सच्चाई हमेशा झूठ का पीछा करती है और मौका मिलते ही उसका गला दबोच देती है। आज जीत जरूर तुम्हारी हुई है, लेकिन कल ऐसी हार होगी कि तुम मरने से पहले खुद ही अपनी तस्वीर पर अपने हाथों से स्वर्गवासियों वाला हार चढ़ाओगे हार, क्योंकि इंसाफ की चक्की चलती बहुत आहिस्ता है लेकिन पीसती बहुत बारीक। सांगा साहब की जीत की खुशी में चीयर। आज हमारी जीत नहीं, हार हुई है, और हम अपनी हार का, अपनी बेइज्जती का और अपने ड्रग्स के नुकसान का बदला जरूर लेंगे, मगर कानून की अदालत के हिसाब से नहीं, अपनी जुर्म की अदालत के हिसाब से। जाओ और जाकर उस प्रोफेसर की तकदीर की किताब का एक एक पन्ना नोच डालो, वो हालत करो प्रोफेसर और उसके परिवार की, ताकि जमीन पर इंसान नहीं आसमान पर भगवान भी कांप उठे। देखिए जी, सबसे पहले आपके जन्मदिन की मुबारकबादी हमारी जुबानी ले लीजिए, और अब रहा सवाल आपके जन्मदिन के तोहफे का, तो सबसे कीमती तोहफा तो हमने आपको दे ही दिया था, हमारे बेटा राजू। लेकिन आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा लाई हूँ, जो हमारी सामने वाली अलमारी में सबसे ऊपर वाले खाने में रखती हूँ। मुड़कर देखिए, मैं कहती हूँ, मम्मी
बोलते क्यों नहीं सुमित? डॉक्टर साहब, मैं प्रोफेसर आनंद हूं, मेरी बहन पत्नी और प्रोफेसर आनंद आंसर, आपकी बहन को तो बचा लिया गया है, मगर आपकी पत्नी और बच्चे को इतनी दारिंदगी के साथ मारा गया कि उनके शरीर पर सिवाय खून और चोटों के और कुछ भी नहीं था। आई एम सॉरी। दिमाग पर ऐसा सदमा पहुंचा है जिसकी वजह से इसमें किसी को पहचानने की ताकत नहीं रही। शायद ये अपनी यादाश्त खो चुकी दिन है। शुक्रवार, शनिवार, मंगलवार, नहीं नहीं, आज सबका जन्मवार है, यानी कि जन्मदिन। सबसे पहले जन्मदिन मुबारक हो डैडी। हमारे डैडी को हमारी उम्र लग जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू भैया, मगर देखो ना, जिंदगी की किताब से एक साल और कम हो गया। भैया, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह रुपए पर ब्याज बढ़ता हो, उसी तरह जिंदगी की हर सालगिरह पर एक एक साल बढ़ता जाए और ब्याज की तरह भी कभी जिंदगी खत्म ना हो। भैया, आप तो हमारे घर के भगवान हो और मेरी ये प्रार्थना है भगवान से कि आपको मेरी भी उम्र लग जाए। देखिए जी, सबसे पहले आपके जन्मदिन की मुबारकबादी हमारी जुबानी ले लीजिए। और अब रहा सवाल आपके जन्मदिन के तोहफे का, तो सबसे कीमती तोहफा तो हमने आपको दे ही दिया था, हमारे बेटा राजू। लेकिन आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा लाई हूँ, जो हमारी सामने वाली अलमारी में सबसे ऊपर वाले खाने में रखती हूँ। लग रहा है हमारा ये तोहफा मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है ना? मेरी प्रार्थना है भगवान से कि जिस तरह इस तोहफे की तस्वीर में हम दोनों शरीर और आत्मा की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिंदगी की आखिरी सांस तक कभी जुदा ना होने पाए। मगर देखिए, इस लॉकेट को तुम मत पहनना, पहनाऊंगी मैं अपने हाथों से। पीछे मुड़कर देखिए। No! Bacaan! Oh, no, 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 no!
गिरफ्तार कर लीजिए इन जालिमों को। इंस्पेक्टर साहब यही हैं वो जिन्होंने मेरी हंसी खेलती दुनिया को उजाड़ा है। प्रोफेसर साहब, याद है आपको, आपने संग्राम सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया था, लेकिन उसकी दौलत की ताकत ने उस सच्चाई को झूठ का नकाब पहना दिया और अदालत ने संग्राम सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया। और आज आप ये आवाजें और चीखों का खोखला सबूत लेकर आए हैं। मतलब आप कुछ नहीं कर सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रोफेसर साहब। जब से नौकरी कर रहा हूँ ना, यही उसूल चला आ रहा है, जैसे जंगल में शेर का राज। और हाँ, आजकल सरकार ने शेरों को मारने पर पाबंदी लगा दी है, और ये खूनी भेड़िए शेर की खाल पहने शहरों में घूम रहे। तो क्या तुम्हारा कानून इसी तरह हाथ हाथ रखे तमाशा देखता रहेगा? इन मुजरिमों को रोकने वाला कोई नहीं? नहीं प्रोफेसर, हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो सभी कर रहे हैं इंस्पेक्टर। अपना परिवार खोकर मैं जीने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी छोटी बहन बरखा अधभरी लाश बने होश में आने की कोशिश कर रही है, और आप कुछ न करते हुए भी अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। है? मैं जानता हूँ प्रोफेसर साहब, आपकी चोट को भी और आपके दर्द को भी, लेकिन ये सबूत उस तूफान का मुकाबला नहीं कर सकता। उन मुजरिमों को सजा तक पहुंचाने का एक ही जरिया है, तुम्हारी बहन बरखा। हाँ बरखा, जो होश में नहीं है उसका होश में आना बहुत जरूरी है। उर्दू तो आती नहीं, फिर भी एक शेर बोलता हूं। लोग अपने हाथ में नमक लेकर घूमते हैं ए सनम, भूल कर भी नहीं बताना जमाने को अपना जख्म। प्रोफेसर आनंद, डॉक्टर साहब, मैं घबराने की कोई बात नहीं है, शी इज आउट ऑफ डेंजर। हाँ, यदि उसे कोई पुरानी कहानी या कोई ऐसी घटना फिर से याद दिलाई जाए तो हो सकता है उसकी खोई हुई याददाश्त फिर से वापस आ जाए। देखो, आज हमने दरवाजे की घंटी भी नहीं बजाई इसलिए कि तुम सो रही थी, तुम्हारी आंख खुल जाएगी, तुम जाग जाओगी, तुम्हारी नींद टूट जाएगी, इसलिए आज हमने अपनी सारी पुरानी आदतें तोड़ दी हैं। लेकिन तुम अपने भैया से वो प्यार भरी दोस्ती नहीं तोड़ना, इसलिए कि दोस्ती है तो जिंदगी है, हंसी है खुशी है, खुशी है हंसी है, है? देखो आज हम तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया चीज लाए हैं, लेकिन ऐसे नहीं, सबसे पहले तुम्हें वो शर्त जीतनी होगी। जानती है कौन सी शर्त? अरे वही पलके झपकाने वाली जो तू हारा करती थी और मैं जीता करता था। आज भला देखते हैं कौन जीतता है। अरे 1 2 3 हमेशा मुझे हरा देते हो, लेकिन देखना एक दिन मैं तुम्हें हरा दूंगी। तुम चिल्लाते रहोगे लेकिन मैं पलके नहीं झपकाऊंगी और तुम हार जाओगे। आज मैं हार गया बेटा, मैं हार गया, मैं सचमुच ही हार गया बेटा। सर, हाँ, क्या बात है, आज आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। हाँ गुप्ता, तुमने बराबर पहचान लिया, परेशान भी हूँ और हैरान भी हूँ। सुमित जैसे होनहार इंस्पेक्टर ने इस्तीफा दे दिया इसलिए हैरान हूँ, और प्रोफेसर आनंद के केस की अभी तक इंक्वायरी चल रही है इसलिए परेशान भी हूँ। चुप साहब, 2 दिन हुआ मगर ये चुराया हुआ माल बताता ही नहीं है। बताया नहीं? क्यों रे, हैं? क्यों नहीं बताता? नहीं, 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 नहीं,
बराबर बराबर, तुमने इसे उर्दू में पूछा नहीं होगा, अभी हम पूछते हैं। चलो 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 चल मेरी रानी। देखा, ये है उर्दू का कमाल। मत मारो मुझे। देखा ना तुम लोगों ने, उर्दू में पूछा तो सीधे लाइन पे आ गया साला। जाओ ले जाओ अंदर। ए ठहर ठहर, एक शेर बोलता है सुन ले बेटे, चोरी हराम है ना चुराना हराम है, चुराने के बाद पकड़े जाना हराम है। क्यों? बचाओ! कलम चलाने वाले हाथों से तुमने गोली चला दी, स्याही बहाते बहाते अचानक इंसानों का खून बहाने लगे। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर मैं उस लुटेरे बदमाश पर गोली नहीं चलाता तो उस लड़की का, इज्जतदार लड़की बनकर जीने का हक हमेशा हमेशा के लिए छिन जाता। तुम क्या समझते हो ये खून करके कानून तुम्हें जीने का हक देगा? और अगर कल रात उस लड़की के साथ बलात्कार हो जाता तो क्या समाज उसे जीने के काबिल बना देता? जवाब दो। मैं वो घायल इंसान हूँ जिसके पूरे परिवार पर कानून के जीते जी न जाने कितने वार हुए, कितनी चीखें गूंजी, मगर कानून खामोश है, इंसाफ खामोश है, अदालतें खामोश हैं। और ये मेरा घर जो कल तक हंसते खेलते परिवार को समेटे था, आज वो भी खामोश है। तुम क्या समझते हो कानून तुम्हें छोड़ देगा? कानून कानून कानून, कौन सा कानून, कैसा कानून? मैं नहीं मानता किसी कानून को। मुजरिम कभी कानून को नहीं मानता, और यही तुम्हारे मुजरिम होने का सबूत। और अब तुम्हारी जिंदगी हंसी के फंदे पर जाके खत्म हो जाएगी। वक्त से पहले मारे जाओगे प्रोफेसर। मैं तो कब का मर चुका, राजू और भारती की चिता के साथ ही मेरी चिता। और अब मैं जला दूंगा इस कौम के उन लोगों को जो जिंदगियों का व्यापार करते हैं, इंसानों के जीवन को उजाड़ देते हैं। मैं इन दरिंदों के सीनों पर इसी बंदूक से मौत की मोहर लगा दूं। आप इस प्रोफेसर के हाथों कलम से स्याही नहीं, पिस्तौल से खून बहेगा, खून खून खून। गुड मॉर्निंग सर। आज का अखबार पढ़ा आपने? कल रात बैंसन इलाके में किसी लड़की की इज्जत बचाते हुए एक अनजान आदमी ने दो बदमाशों का खून कर दिया। ताजुब की बात तो यह है सर कि उस लड़की ने उस अनजान आदमी के बारे में पुलिस को बताने से साफ इनकार कर दिया। हो सकता है उस मजलूम लड़की को पुलिस से ज्यादा उस अनजान इंसान पर विश्वास हो गया हो। मगर सर कौन हो सकता है वो?
मैं उस आदमी को जानता हूँ। आप कौन है? वो अनजान आदमी मैं खुद हूँ। ये रहा सबूत। और मैंने फैसला कर लिया है कि अब किसी बहन को अपनी बहन की तरह उजड़ने नहीं दूंगा, किसी परिवार को तबाह नहीं होने दूंगा, बर्बादी की आग लगा दूंगा उन दरिंदों की दुनिया में जो ऐसे दहशत भरे खेल खेलते हैं। यस सर, इंसान और शैतान की इस जंग में यह सिपाही भी आपके साथ है, मगर इंसानियत की इतनी बड़ी जंग जीतने के लिए हम दो सिपाही बहुत। सुमित, महाभारत में 100 कौरवों के सामने सिर्फ 5 पांडव थे। हमें महाभारत के उन 5 पांडव को इस भारत में फिर इकट्ठा करना होगा। मैं चंद ऐसे घायल शेरों को जानता हूं जो सांगा के बेरहम पंजों के जख्म खाए बैठे हैं। मतलब कि कलयुग के इन कौरवों से टक्कर लेने के लिए उन जख्मी शेरों का एक लश्कर बनाना होगा। हाँ, क्योंकि उनकी रगों में खून नहीं बल्कि सांगा के खिलाफ नफरत का तूफान दौड़ता है, और दिल की हर धड़कन के साथ बदले का बारूद फटता है। सीने में सुलगती हुई दुश्मनी की ज्वाला देखने आए हो क्या? मुझे अपने कानूनी किताब के कायदे खोलकर पिलाने आए हो? नहीं अमन, दरअसल बात यह है कि मेरी बर्बादी पर तुम और तुम्हारा कानून बहुत शर्मिंदा है। तुम्हारी गोली तो सांगा पर नहीं चल सकी, लेकिन मेरा बारूद उस पर जरूर फटेगा। इंस्पेक्टर अमर, अब मैं इंस्पेक्टर नहीं रहा, इस्तीफा दे चुका हूं, क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं दिला सके, है ना? मगर अब इंसाफ होगा, हर मजलूम के साथ इंसाफ होगा। ये प्रोफेसर आनंद है। जो तुम्हारा मकसद है वही हमारा मकसद है, यानी कि सांगा की बर्बादी। मगर इस तरह नहीं, तुम्हें अपने इस बारूद का, अपने निशाने का सही इस्तेमाल करना होगा। आखिर कब तक इस वीराने में अपने घर को बर्बाद करते रहोगे? नहीं, ये घर नहीं, ये मेरे जिस्म का सबसे गहरा जख्म है। जो जड़ा हुआ मकान जो इस वक्त एक खंडर नजर आता है, कभी मेरा स्वर्ग था। पिताजी हुकूमत के लिए बारूद बना देते, सांगा ने पिताजी से बारूद और बम मांगे, और उनके इनकार कर देने पर उस हरामजादे सांगा ने मेरे स्वर्ग को मेरे खानदान की समाधि बना डाली, और तब से आज तक मैं इस घर को धमाके से उड़ाकर अपने उन जख्मों को ताजा करता रहा हूं, ताकि उस हराम सादे सांगा को मैं कभी भूल न सकूं। तो क्या उस शैतान की बर्बादी में तुम हमारे साथी बन सकोगे? उस खूनी दरिंदे की तबाही के लिए तो मैं शैतान का भी साथी बन सकता हूं। मैं उस दरिंदे को बीच चौराहे पर जिंदा जला देना चाहता हूं। हम सब मिलकर जलाएंगे उस रावण के पुतले को। हमारे लश्कर का अगला साथी होगा दीमा।
जब तक दिल में तब तक जियो। अबे उस शाने, मान निकाल, चल मान निकाल, जल्दी कर। अबे ओ टकलू, काहे को खाली पुकड़ में अपना गला सुखाता है? तू दस क्या, सौ भी गिनेगा ना, फिर भी वो नहीं उठने वाला, समझा क्या? क्योंकि भीमा का फटका यानी इलेक्ट्रिक का झटका। बीड़ू, आज तो अपने खूब माल कमाए यार, है कोई माइकल लाल जो मेरे भीमा से टक्कर ले सके? मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया। अबे जा जाओ मच्छर पहलवान, मेरा भीमा फूक मारेगा तो उड़ जाएगा। अरे भाई थोड़ी लड़ूंगा, मेरा उस्ताद लोकन सिंह लड़ेगा। उस्ताद लोकन सिंह आजा। माँ, हमारे लश्कर को तुम्हारे जैसे सिपाही की जरूरत है और तुम्हें पैसों की। ये रुपए नहीं लूंगा साहब, नशे के व्यापारियों ने जो आग मेरी जिंदगी में लगाई है, मैं उन्हें उसी आग में जला दूंगा। तो फिर मिलाओ हाथ।
जॉनी है जिसके जवान भाई के रगों में सांगा ने ट्रक का जहर भर दिया था। तब से लेकर आज तक ये सांगा से बदला लेने के लिए बदले की आग में चढ़ रहा है। ये बारूद, हथियारों और ड्रग से भरा हुआ वो गोदाम है जिसके जरिए सांगा हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। अगर इन गोदामों को उजाड़ दिया जाए तो सांगा आधा बेजान हो जाएगा। जी हाँ। तो फिर इस नेक काम में देरी किस बात की? सांगा के तरफ ये कौन सी कयामत पड़ रही है? एक रात में छह छह गोदामों का जलना, हमारा करोड़ों का नुकसान, ये सब कौन कर सकता है? पुलिस नहीं, कोई दुश्मन पार्टी नहीं, किसी की इतनी जुर्रत नहीं,
लेकिन गोदामों में आग तो लगी है, माल भी जला है। मतलब जरूर कोई दुश्मन है जो सांगा की तबाही अपने हाथों में लेकर निकल पड़ा है। किसके है बहुत
ढोंडो पानी आए लौकर चल लगा ये काला कुत्ता भौंकने लगा ए उठा था एक मिनट ठहर साला ड्यूटी पे हाजिर नहीं हो गया तो टेलीफोन बजने लगा जोगीवाड़ा पुलिस स्टेशन मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस बोल रहा हूँ मैं इंस्पेक्टर मोरे बोल रहा हूँ गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग व्हाट गुड मॉर्निंग तुम्हारे इलाके में गुंडों ने तूफान मचा रखा है लोग हम पर कीचड़ उछाल रहे हैं कहते हैं कानून अंधा बहरा और गुंगा हो चुका है पता लगाओ कौन है वो लोग नहीं हमें मालूम नहीं सर वो आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह चले जाते हैं और उनको पकड़ने के लिए कुछ क्लू तो चाहिए ना सर अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता किसी भी तरह उन मुजरिमों तक पहुंचो सबूत मिले या ना मिले गिरफ्तार कर लो उन्हें नहीं हम गिरफ्तार तो कर लेते हैं लेकिन अब मी नहीं थे अतलीन कड़िला वातली बेगड़ कर लेते गिरफ्तार कर लेते उसमें क्या है देखा बापूजी देखा तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है किसको गिरफ्तार करना है सर तुमको नहीं मालूम नहीं मालूम ना हमको भी नहीं मालूम जी अरे शहर में कुछ नए नए गुंडा लोगों ने तूफान मचा रखा है औरतों की इज्जत और बच्चों की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं रही है रोजाना पेपर में छप रहा है कि ये लोग मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे इन पर बम फेंक फेंक कर उनको उड़ा रहे नहीं सर आपको गलत फहमी हुई है वो लोग तो ड्रग्स चरस गांजा और अफीम और दारू के अड्डों को उड़ा रहे हैं और आप ये क्या कह रहे हैं ये हम नहीं कह रहे ये बड़ा साहब कह रहा है अभी जो टेलीफोन पे ऑर्डर आया ना वो ऑर्डर बोल रहा है ऑर्डर मगर ये क्या ये जो अच्छा काम हो रहा है उसे बंद कर दे क्या नहीं हेमंत गुप्ते साहब बंद नहीं करने का ये काम बंद करने की हम कोशिश कर रहे हैं ऐसा बड़ा साहब को दिखाने का क्योंकि ये काम आप उनका है क्या नहीं यस है ना यस है और आप उनको तो कानून ने या चुड़िया पहना कर बिठा दिया है लेकिन सर ये ऐसा कैसा कानून है सॉरी सर यही कानून है और कानून के सामने ज्यादा मुंह चलाएगा ना तो मिनिस्टर लोग तुम्हारा गर्दन उड़ा देगा समझा क्या नहीं समझा सर नहीं समझा ठीक है हम अभी उर्दू में आपको समझाते हैं अदालत से मुजरिम बाइज्जत छूट जाता है अदालत से मुजरिम बाइज्जत छूट जाता है बेगुनाह सुली पर लटक जाता है और जो जास्ती होशियारी दिखाता है ना वो पुलिस वाला नौकरी से हट जाता है ये भारत नगर की बस्ती है यहाँ के लोग सीधे सादे और भोले भाले लोग हैं रोज कमाते हैं रोज खाते हैं लेकिन भरपेट नहीं क्योंकि इनकी आधी कमाई इस मटके के अड्डे में चली जाती है ओ जीजा सुनो यार कल वो इकबाल काणे की शादी में सलीम लावणे को देगा क्या मैं तो बोलता हूँ लगा दे सत्ता उठा लिया बत्ता तुम तो भूखे मर जाओगे मालूम है वो साले को उसने लगाएंगा यार मेरे को काय को नहीं बोला तू तुमको क्या तुमको ढूंढा तुम दिखेगा मेरे को अरे मैं तो शादी में था क्या शादी में था चाची तो चाची बोले ठसाने के लिए अरे बाबा तू मेरे को पहले बोलता ना मैं अपनी घड़ी बेच के लगाता मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है जिससे ये धंधा हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाए एक का दुआ मेंडी ये लो चाचा क्या लगाओगे एक का दुआ मेंडी ये लो मेरा 100 रुपया मेरा नंबर लगाना अरे वाह शांता भाई वाह भगवान के मंदिर में नंबर लगाने वाली आज मटके का नंबर लगा रही बोल क्या लगाती लगा एक का दुआ मेंडी 100 रुपया ये ले ले भाई मेरा भी लगा सो एक का दुआ मेंडी खेलना क्या तुम भी एक का दुआ मेंडी एक का दुआ मेंडी एक दुआ मिंडी हाँ तो भाई लोग क्या खेलने को मंगा है लफड़ा गाय का लफड़ा रे बड़ा सारा बत्ती खेल रहा है अरे खेलने देना यार इसमें अपना फायदा है ना इसमें लफड़े की क्या बात है यार तू काय को नहीं समझता सेठ पूरा बस्ती एक ही नंबर खेल रहा है इक्का दुक्का मिंडी पूरा बस्ती इक्का दुक्का मिंडी Thank you.
चलो भाइयों, पब्लिक में से कोई 3 आदमी आके पत्ते खोलो। हमारे खुफिया गोदामों का जलना, उसके बाद हमारे जुए खानों का खात्मा, और अब मटके के धंधे में इतनी बड़ी मात। ये साजिश जरूर किसी अकलमंद दिमाग की पैदावार है। वो 3 अनजान चेहरे काले कपड़े पहनकर नहीं आए, बल्कि हम सबका काला कफन सीने आए हैं। साहब, ये काले कपड़े वाले ही हमारे सारे नुकसान के जिम्मेदार हैं, और मुझे यकीन है कि ये भारत नगर की बस्ती में छुपे हुए हैं। भारत नगर की ईंट से ईंट बचा दो, उन बस्ती वालों के जिस्मों पर चोटों और जख्मों के इतने निशान लगा दो कि जब भी वो दर्द से तड़पे तो उनकी चीखों में हमारे दुश्मनों के नाम और पते जाओ। बता वो कौन हराम खोर है इस बस्ती में जो हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ। तू बता कौन है वो? मुझे कुछ नहीं मालूम। प्रोफेसर, तुम? हम कलयुग के तुम जैसे कौरवों से लड़ने वाले हम 5 पांडव। इसका मतलब है इन बस्ती वालों को हमारे खिलाफ भड़काने में तुम्हारी साजिश है। भड़काने की नहीं, बल्कि इन्हें नींद से जगाने की। राइट ब्रदर। मौत की नींद तो हम तुम्हें सुलाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसको सुलाता है।
तरह से काम नहीं चलेगा। तुम इतने ढेर सारे उन मुट्ठी भर गुंडों की कमजोर ताकत से डरते हो। सर झुकाओ नहीं, सर कुचल डालो उनका। मिलकर उन गुंडों का मुकाबला करो, खत्म कर दो उनको। चलो हटो। बीच में आते हैं। प्रोफेसर साहब आप यहाँ? पता चला बस्ती में बहुत हंगामा हो रहा है, इसलिए मैं खुद चला आया दौड़ता हुआ। इंस्पेक्टर साहब, इन जीपों को बनाने वाली कंपनी से कहकर इनकी थोड़ी स्पीड बढ़वा दीजिए, क्योंकि आपके कानून की जीप की रफ्तार इतनी धीमी होती है कि मुजरिम के चले जाने के बाद ही आती है। हाँ इंस्पेक्टर, इंसान की आखिरी सांस के बाद आपकी पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है। चोटों से तड़प कर आदमी मर जाता है, तब उसकी लाश ले जाने के लिए पुलिस आती है। इंस्पेक्टर, अगर यही हाल रहा ना तो हर गली से हर मोहल्ले से मौत की आवाजें गूंजेंगी। अरे वाह, चांस मिलते ही भाषण देना शुरू कर दिया आप लोगों ने हमारे डिपार्टमेंट पर। है अरे, हम लोग भगवान थोड़ी ही है, आंख खुली और प्रकट हुए, पुलिस है हम, थोड़ी तो देर हो ही जाती है हमें। और कानून से काम करते हैं हम, कानून से, तुम्हारी तरह सिर्फ मारधाड़ नहीं करते। हाँ देखो, मुझे उर्दू तो ठीक से आती नहीं है, फिर भी एक शेर सुनाता हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट, उर्दू अपुन को आता है, अपुन तुमको एक शेर सुनाता है क्या? जहाले मैस्की मुकम बरंजिश, जहाले मैस्की मुकम बरंजिश, बहारे हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल है हमारा दिल है। वाह बहुत खूब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो अपने को भी नहीं आता। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोफेसर को जिंदा छोड़ देना हमारी पहली गलती थी। रघु जैसे गद्दार को आजाद कर देना हमारी दूसरी गलती थी, लेकिन अब तीसरी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि वो सफल है, अब जहरीले नाम बन गए। सांगा साहब, वो लोग बहुत ताकतवर हैं, और हम जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। हमारा नाम सुनते ही लोगों की नसों में दौड़ता हुआ खून भी जम जाता है। लेकिन सांगा साहब, हाँ, बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी। एक पहलवान था जिसने 7 लकड़ियों को एक साथ तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं टूटी। मगर जब उसने उन लकड़ियों को अलग अलग कर दिया तो एक एक करके सारी तोड़ डाली। क्या मतलब? मतलब ये कि इस लश्कर की एक जगह जमा की हुई ताकत को अलग अलग कर दो, और फिर ऐसे तोड़ो कि आवाज भी ना आए और सांसें भी टूट जाए। कभी कभी ताकत नहीं, दिमाग इस्तेमाल किया करो, और फिर देखो उनकी जिंदगी के पहिए किस तरह थम जाते हैं।
प्रोफेसर आनंद स्पीकिंग। प्रोफेसर आनंद, मेरी आवाज तो पहचान गए होगे। गली में भोंकने वाले कुत्तों की आवाज में अच्छी तरह पहचानता हूँ। अपने कानों का इलाज करा प्रोफेसर, तुझे शेर की दहाड़ और कुत्ते के भौंकने की आवाज की पहचान नहीं। आज का अखबार उठाकर देख, हमारी गली से पत्थर मार कर भगाया हुआ और तेरी गोद में वफादार बनकर आया हुआ कुत्ता रघु हमारे हाथों कुत्ते की नहीं सुअर की मौत मारा गया है। और अब तेरे लश्कर की बारी है। तुम अपनी खैर मनाओ संग्राम सिंह, मैं अखबार में उसकी तस्वीर देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि कौन सी ऐसी मौत मारूं तुम्हें कि शहर के सारे सुअर भी मारे शर्म के आत्महत्या कर। संगा ने रघु को मारकर हमारे आगे बढ़ने के प्लान में रुकावट डाल दी। नहीं अमर, सांगा चाहे हमारे रास्ते में कितनी ही रुकावट क्यों न डाले, लेकिन हम उसे बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। ब्रदर, आप उनके पास एक ऐसा आइडिया है जिससे सांगा सूखे पत्ते की तरह टूटकर अपन लोग के कदमों में होएगा। कौन सा आइडिया है वो? सांगा की बेटी। डैडी को पता चल गया कि तुमने मुझे यहाँ जबरदस्ती बंद कर रखा है तो तुम्हारे चीथड़े उड़ा देंगे। ये तो आने वाला कल ही बताएगा मैडम कि कौन किसके चीथड़े उड़ा रहा है। दरवाजा खोलो। देखो बिजली, सांगा की बेटी को मैंने बंद कर रखा है। सोने की चिड़िया है, उड़ने ना पाए, समझी?
तू तो है ही 2 इंच की और चाल 6 इंच। देख जो मांगता है वो तोड़ देना क्या, मगर अपुन के कैद खाने को तोड़ने का लफड़ा नहीं मांगता, समझी क्या? मैं तो समझ गई, लेकिन तुम भी समझ लो कि अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो इस कैद खाने को तुम्हारा मुर्दा खाना बना दूंगी। अपुन का नाम बिजली है और बिजली जिस पर गिरती है उसे जलाकर राख कर देती है, समझी क्या? की बेटी है, इसे जॉनी ने यहाँ कैद कर रखा है मगर ये भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसे यहाँ बंद कर देने का क्या मतलब है? दूसरों के घर जलाकर हाथ सेकने वाले को ये मालूम हो कि जब अपने घर जलते हैं तो क्या होता है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर किसका घर जलाया है मेरे डैडी ने? एक नहीं सैकड़ों नन्हे नन्हे घर बर्बाद किए हैं, मासूम नौजवानों की रगों में ड्रग्स का नशा घोल दिया है जिससे ना वो जी सकते हैं ना मर सकते हैं। ये सब झूठ है, मेरे डैडी एक इज्जतदार शहरी हैं। इज्जतदार शहरी नहीं, इज्जतदार स्मगलर है। क्या पकती हो? ये सच है और अपने खिलाफ आवाज लगाने वाले को वो लंगड़ा लूला रंधा बना देता है। इस धरती के सीने को उसने पाताल तक छल्ली कर दिया है, लेकिन ये वो नहीं जानता कि धरती के नीचे जब कोई दबी हुई चीज करवट लेती है तो जलजले आते हैं और अब उन तभी चीजों ने करवट लेना शुरू कर दिया है। जाने दो। लेकिन साहब, जिस वक्त से अपने बाप की असलियत का पता चल जाएगा ये उसे उसी तरह नफरत करेगी जिस तरह सब लोग करते हैं। हेलो, कौन? सांगा साहब, मैं शकूरा बोल रहा हूँ। हाँ शकूरा बोलो। मैंने डांसर मोनिका को खबर कर दी है, वो मूनलाइट क्लब से 10 लाख की ब्राउन शुगर लेकर आपके बताए हुए एड्रेस पर माल पहुंचा दे। गुड, वेरी गुड। डांसर मोनिका ही एक ऐसी होशियार लड़की है शकुरा, जिसे ना पुलिस जानती है और ना हमारे दुश्मन। जो भी काम हो बहुत होशियारी से होना चाहिए, समझे? हेलो, मूनलाइट क्लब। Thank you.
ये कैसा किया? जो मर रहा था वो जी उठा। जानम, माल लाई हो? Yes. Very good. जानम, आगे पीछे कोई खतरा तो नहीं लगा? जिसका चाहने वाला इतना खतरनाक हो, उसके पीछे जो खतरा लगेगा, उसकी भी जान खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा, इतना विश्वास इस हरामी पे? विश्वास? विश्वास तो मुझे उसी दिन से हो गया था जिस दिन तुमने मुझे ये अंगूठी पहनाई थी। जाने मन, ये अंगूठी तो प्रोफेसर के बहन की है, जो सांगा के एक इशारे पर उसके सारे खानदान को खत्म करके हासिल की है। माल कब पहुंचाना है? रात के 2 बजे हमारे साथी तुलसी पाइपलाइन के बाथरूम में मिलेंगे। बाथरूम? बाथरूम में नहीं, शमशान घाट में मिलेंगे आप। Thank you.
माल कहाँ है? कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप के चाचा के नानी के फूफी के खालाजाद भाई के बाप लगते हैं। नाम है आंधी, तूफान और तुम्हारी मौत। Yeah, yeah, boy.
1, 2, 3। सर ये संग्राम सिंह के साथियों की लाशें हैं और ये पुलिस के वांटेड थे। अच्छा हुआ मर गए साले, इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। साला संग्राम सिंह। आओ इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अच्छा मतलब मैं वक्त पे आ गया। कानून खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आया है, इसलिए आज तुम्हारी सेवा में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। मिस्टर संग्राम सिंह, मैं यहाँ कुछ लेने या पीने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें नसीहत के दो कड़वे घूंट पिलाने आया हूँ जो शायद तुम्हारे इस बीमार दिमाग को ठीक कर सके। इंस्पेक्टर, अपना मुंह खोलने से पहले ये देख लो कि तुम कहाँ हो और किससे बात कर रहे हो। मैं तुम्हारे इस पाप के महल में तुम्हारे सामने ये कहने आया हूँ संग्राम सिंह कि जिस गुनाहों की आग से तुम खेल रहे हो उसे बुझा दो, वरना तुम खुद जल जाओगे और फिर कानून के ऐसे डंडे पड़ेंगे कि तुम चीखोगे चिल्लाओगे लेकिन कानून तुम्हारे जख्मों पर मरहम नहीं लगाएगा। और इंसाफ की वो देवी जिसके एक हाथ में तराजू है और आंखों पर पट्टी, तुम्हारी चीखें नहीं सुनेगी, तुम्हारा दर्द नहीं देखेगी, बल्कि तुम्हारे गुनाहों को तोल तोल कर तुम्हें उसकी सजा देगी। शाबाश इंस्पेक्टर, सबसे पहले तो तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूं, क्योंकि संग्राम सिंह के सामने आज तक किसी ने इतनी बात नहीं की। जाओ और जाकर सबसे पहले अपने अंधे कानून को मजबूत करो, क्योंकि संग्राम सिंह एक ऐसी चट्टान है जिससे इंसाफ और कानून की लहरें टकरा कर चकनाचूर हो जाती है। अच्छा तो फिर जाते जाते एक शेर सुनाकर जाता हूँ। ये गरूर, ये ताकत, ये दौलत, सब कुछ यहाँ पर रह जाएगा, तू खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाएगा, इसलिए छोड़ दे गुनाहों के धंधे वरना पछताएगा, कानून से टक्कर लेने वाले तू मिट्टी में मिल जाएगा। एक तरफ पुलिस वालों को हम पर शक हो गया है और दूसरी तरफ प्रोफेसर आनंद और उसका वो लश्कर हमारे पीछे पड़ गया है। सांगा साहब, अगर हमारी 50 करोड़ की ट्रक्स उस लश्कर के हाथ लग गई तो हम जीती जागती लाशें बन जाएंगे। बंद करो बकवास, बंद करो। अपने आदमी से कह दो कि हमारा सारा के सारा माल लाल बत्ती वाले गोदाम में पहुंचा दे जो रोशन टावर वाली बिल्डिंग के नीचे है। उस गोदाम में दुश्मन तो क्या, उसके फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते।
हेलो प्रोफेसर, मेरे आदमियों को मार के, मेरे गोदामों को बर्बाद करके, मेरी वैन में रखे हुए 50 करोड़ के ड्रग्स को लूट के, तू ये मत समझना कि तेरी जीत हुई है। सांगा, जीत को हार में बदल देना अच्छी तरह से जानता है। संग्राम सिंह, रात बहुत हो चुकी है और हमें नींद आ रही है। वैसे तुम्हारी नींद तो उड़ चुकी होगी। मेरी बात ध्यान से सुनेगा तो नींद तेरी भी उड़ जाएगी। प्रोफेसर, तेरी बहन बरखा मेरे कब्जे में है। कल तक अगर मेरा माल काली पहाड़ी के पीछे वाले गोदाम में नहीं पहुंचा तो तेरी बहन की लाश तेरे घर पहुंचा दूंगा। संग्राम सिंह, चिल्ला मत। माल दे जा, बहन ले जा। बरखा हॉस्पिटल में नहीं है सर। मैं जानता हूं, संग्राम सिंह ने बरखा को किडनैप कर लिया है। वो उसकी जान के बदले में अपना माल चाहता है। लेकिन सर, उस कमीने की बात पर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। मैं जानता हूं अमर, लेकिन सर आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग अपनी जान की बाजी लगाकर ये जंग लड़ेंगे और बरखा को बचा लेंगे। मुझे तुम पर फख्र है, लेकिन दुश्मन बहुत चालाक है। तुम ड्रग्स के बॉक्सेस में बम फिट कर दो और बॉम्ब के धमाके के साथ ही सांगा के साथ जंग का ऐलान हो। क्या बात है सर? मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। ट्रांसफर? कोई बात नहीं, सर कटाने की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। प्रोफेसर आनंद कहाँ है? देख लिया हमसे टकराने का अंजाम प्रोफेसर, कंकर जब पहाड़ से टकराता है तो चकना चूर हो जाता है। संग्राम सिंह, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है और सौदा इस बैन में लाए गए हेरोइन से। तुम्हें तुम्हारा माल मिल गया, मुझे मेरी बहन चाहिए। चाहिए? बहन चाहिए? इसको बहन चाहिए? सांगा ने एक बार तुम्हें छोड़ने की गलती की थी प्रोफेसर, दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। और तुम्हारे वादे? वादे? वादे तो राम राज्य में पूरे किए जाते थे प्रोफेसर, ये रावण राज्य है। भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो। प्रोफेसर, तुमने अपने बीवी बच्चों की बात अपनी आंखों से नहीं देखी, तुम्हारी ये हसरत हम पूरी कर देते हैं। तुम्हारी बहन का ये अंजाम करेंगे हम, ये अगले जन्म में ये तुम्हारी बहन बनने से इनकार कर देगी। वो नामर्द होते हैं जो औरत की कलाई का सहारा लेकर जंग लड़ते हैं। प्रोफेसर, शायद तुमने ये कहावत सुनी होगी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है।
अगर किसी ने हाथ उठाने की कोशिश की तो सारी की सारी गोलियां प्रोफेसर की खोपड़ी में उतार दूंगा। प्रोफेसर, तुम्हारे लश्कर के ये सिपाही जिनकी ताकत पर तुम्हें नाज है, अब अपने घुटनों पे झुककर अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे और मैं उन्हें भीख में मौत दूंगा। बड़ा सारा को मेरी चिंता मत करो, मुकाबला करो सब लोगों का। बाप को चलाने वाले बारूद, अब तुझे अपने ही शोलों में चलना होगा। इंसानियत के दुश्मन, इंसानों की रगों में जहर फैलाने वाले नाग, आज हम तेरा फन कुचल कर रख देंगे। देश को दीमक बनकर चाट जाने वाले कीड़े, अब तेरी रगों में तेरा ही पैदा किया हुआ जहर तेरे ही खून की रफ्तार के साथ साथ चलेगा। छोड़ दो Ah!
अभी उठ गया वो जंगे वफा से, वतन के लिए लव लगा के खुदा से। दुखी आत्मा शांति पा गई है, जगाओ ना आनंद को, नींद आ गई है।